However, what you do often? Everybody, welcome back to my YouTube channel. So guys, I hope you all are well. सो गाइस, आज चैरिटी फंक्शन फातिमा जिना डेंटल कॉलेज में रखा गया है. सो मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे मेरे लिए वेट कर रहे हैं, तो गाइस डायरेक्ट वहाँ पे मिलते हैं. तो गाइस, अभी मैं मिला हूँ अपने यार से, जिगरी यार जो है उजैफा से और शेफू भाई से. तो अब उनसे पूछते हैं क्या सीन है. मैं अभी आया हूँ, ये थोड़ी देर पहले आए थे मुझसे, ये बाहर खड़े थे, अंदर शायद कुछ नहीं चला, अभी स्टार्ट नहीं हुआ. तो पूछते हैं, तो याया साहब आप बताएं क्या सीन है. आप एक छोटा सा फंक्शन किया है, बड़ा अच्छा इन्होंने इंतजाम किया है, डेकोरेशन वगैरह कर लिया है और सिंगिंग कॉम्पिटिशन भी है यहाँ पर, बैक सेल वगैरह सिस्टम है ना. ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बैक सेल वाला सिस्टम है और ऑडिटोरियम में सिंगिंग वगैरह प्रोग्राम है. टीचर्स आएंगे, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स भी आएंगे इंशाल्लाह. और या चलें फिर इंजॉय करते हैं हम. ओके, और आप भी इंजॉय करते हैं तो पूरा देखते हैं. जो मुश्किलें सब डाल दे तेरे दर पे हूँ अब मैं खड़ा, तो सुन ले तू मेरी every day. Almost 3 lakh people are in need of food and assistance. A lot of teams that have already gone into the interiors and they are working there. One of them called me and they are saying, Sen bhai, this pani. बड़ी मशहूर एक्सरसाइज है, यह बड़ा मशहूर सवाल है जो रखा जाता है, ग्लास हाफ फुल और ग्लास हाफ एम्प्टी. कितने लोग समझते हैं, हाथ उठाएं, कहे नहीं बस हाथ उठाएं. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक द ग्लास इज हाफ फुल? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक द ग्लास इज हाफ एम्प्टी? एम्प्टी वाले हाथ की उठाते हैं, लोग पैसे समझेंगे. शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन कभी मिलो मुझे कहीं पे गुमशाय, जो तुम न हो रहेंगे हम वहीं, जो तुम न हो रहेंगे हम वहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा.
नहीं है, कोई रस्म नहीं है, दिल का वहम नहीं है, पता है तुमको ख्वाबों में गाओ जिसका रास्ता नाम जिसका चाहत है नाम जिसका जैसे कि आपको पता है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो सैलाब आया हुआ है उसके हवाले से फातिमा जिन्ना डेंटल कॉलेज की तरफ से हम तमाम जो स्टूडेंट हैं ये हम अपना अपनी तरफ से ये डोनेशन लेके आए हुए हैं, तो उनकी हेल्प करने के लिए आपसे भी गुजारिश है आप जितना डोनेट कर सकते हैं आप इस कार्य खैर में हिस्सा डालें। थैंक यू। आगे भी वो भी दिखा आगे क्या क्या है, ये क्या सीन है? आज यहाँ पे ये लगाया है, ये बैग सेल है, इस पे जो अर्न होगा वो भी हम अपने जो सैलाब जदगान है उन भाइयों की मदद के लिए वो हमको डोनेट करेंगे। ये भी हम देखिए आवाज है, ये देखें बड़ा लो क्वालिटी का है, देखिए यहाँ पे ये हमने रेड किया और ये ब्राउनी भी हम वहाँ लेके जाएंगे उनको खिलाएंगे जी। और ये स्टोव भी हम पानी पीने के लिए, तो पानी बहुत गंदा है। हाँ ये बात भी सही है। और ये टिश्यू है, ये कुछ अच्छी क्वालिटी का है इसलिए इसको चेक करते हैं हम। एक और भी आते हैं आप देखिए कुछ अच्छी क्वालिटी का है। तो ये डॉक्टर लाइबा जा रही है, बोलिए मजा नहीं आ रहा है, बेजार हो गई है, मैं खुद बेजार हो गया। कोई नहीं, यमान गाना Yeah man. कॉन्फिडेंस लेवल देख कहानी सुनो सुनो सदा सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, कहानी सुनो मुझे पानी सुनो
प्यार माता प्यार माता सब कुछ हो गया है, एंजॉय किया बहुत ज्यादा। तो हसन भाई आपको कैसा लगा? यार एंजॉय तो हुआ लेकिन थोड़ी सी बोरिंग भी थी। हाँ बोरिंग भी थी क्योंकि प्रेजेंटेशन वगैरह बहुत थी। प्रेजेंटेशन जो हुई ना डॉक्टर हुसैन अस्करी साहब की भी थोड़ी सी बोरिंग थी, उसके बाद जो वो आई ना उनकी भी बोरिंग थी। बहरहाल ओवरऑल बड़ा अच्छा ये प्रेजेंटेशन दे रहे थे जैसा कि एनाटॉमी का लेक्चर लेने ऐसी फीलिंग आई हमें। तो अभी जो लास्ट में एंडिंग में वीआईपी का सीन हुआ, एंडिंग जबरदस्त, एंडिंग की सॉन्ग वगैरह हुए, जो जमान ने बहुत अच्छे सॉन्ग्स गाए, बहुत अच्छा मजा किया हमने, जमान के सॉन्ग्स एंजॉय किए। और एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट था, उसका नाम मुझे याद नहीं है, पता नहीं क्या नाम था, उसने भी बहुत अच्छा सॉन्ग गाया, सलाह ने भी अच्छा गाया। लो कॉन्फिडेंस हो रहा था, उसको कॉन्फिडेंस हाई करना पड़ेगा। बस बाकी बहुत ओवरऑल अच्छा रहा। और इस वक्त हम जजेस की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं और हम भी इसके फाइनल जज लास्ट में हम थे। तो इसमें पहले ना वो सीनियर थे हमारे, क्या कहते हैं, डॉक्टर हुसैन अस्करी साहब जो हमारे सीईओ हैं। उसके बाद ना जब सेकंड शिफ्ट शुरू हुई तो जो हम थे ना चीफ गेस्ट हम थे, डॉक्टर करण कुमार एंड डॉक्टर हाफिज हसन के। तो चलो अब व्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे। आप अपना ख्याल रखिएगा। तो गुड बाय।